सोनम कपूर और आनंद आहूजा बीते महीने ही एक बेबी बॉय के माता पिता बने हैं। इन दिनों दोनों अपने पेरेंटहुड पीरियड को भरपूर इंजॉय कर रही हैं। इसी बीच सोनम का एक वीडियो इंटरनेट की दुनिया में छाया हुआ है। वायरल हो रहे इस वीडियो में एक्ट्रेस ने अपनी कुछ अनसुनी बातों का जिक्र किया जो उन्होंने प्रेगनेंसी के लास्ट फेज के दौरान साझा की थी। दरअसल सोनम ने एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में बताया कि जब उनकी 2018 में शादी हुई तो वो और आनंद 2 साल तक इसका इंतजार करना चाहते थे, मगर उसके बाद कोरोना महामारी का दौर आ गया। इस दौरान सोनम ने अपने दोस्तों से कई कहानियां सुनी जिसमें उन्हें प्रेगनेंसी के दौरान हुई दिक्कतों को फेस करना पड़ा था। महामारी के दौरान हॉस्पिटल जाना बहुत बड़ा चैलेंज था, वहीं पेरेंट्स को साथ रखना भी बेहद ज़रूरी हो गया था। जबकि सोनम कभी इंडिया तो कभी लंदन में स्टे करती हैं। इसके आगे सोनम ने बताया कि वो और उनके पति साल 2020 में बेबी प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन महामारी के शुरुआती दिनों में एक दिन वो दिल्ली में अपने माता पिता के साथ घर पर बैठे हुए थे और माहौल को देखते हुए उन्होंने थोड़ा और इंतज़ार करने का फैसला किया। उस समय उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा। ऐसे में दोनों ने इंतज़ार करने में ही भलाई समझी, लेकिन महामारी ख़त्म होती ना देख सोनम ने पिछले साल अपने जन्मदिन पर पति आनंद से कहा कि अब उन्हें और इंतज़ार नहीं करना चाहिए। आखिर में एक्ट्रेस ने खुलासा किया कि कैसे उन्होंने प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले भारत और लंदन में कुछ डॉक्टर से मिलकर अपने सभी चेकअप्स कराए और सभी से कहा कि वो बिल्कुल ठीक हैं और उसके बाद वो आगे बढ़ी। दिसंबर में वो प्रेग्नेंट हुई और आनंद के साथ अपने मैटरनिटी फोटोशूट की तस्वीरें शेयर करते हुए इस साल मार्च में इसकी घोषणा की। दोस्तों, आपको इस खबर के बारे में जानकर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखें। साथ ही ऐसे और भी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।